जिन लोगों को लगता था कि 2018 गजब का साल है, सीबीआई सीबीआई के ही दफ्तर में छापा मार रही है और इससे ज्यादा अचंभा क्या होगा, 2019 ने पहले ही दूसरे महीने में उनका भरम तोड़ दिया। सीबीआई की टीम कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर छापा मारने पहुंची थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अफसरों को धकिया के एक गाड़ी में ठूस दिया, थाने ले जाकर बिठा दिया। कुछ घंटों के बाद सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दफ्तरों वाले जो दो बिल्डिंग वाला कॉम्प्लेक्स था उसे भी घेर लिया। घबराकर अफसरों ने गवर्नर केसीनाथ त्रिपाठी से संपर्क किया। इसके बाद ममता के इशारे पर कोलकाता पुलिस जैसे ही पीछे हटी, बिल्डिंगों के बाहर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। थानों से भी उन अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। उसके बाद ममता धरने पर बैठ गई, बोली कि यह केंद्र की लगाई सुपर इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी ना हो गया बवाल हो गया, कोई भी उठाता है चट से इमरजेंसी बोल देता है। जहां तक हमें पता है, हम तो पैदा हुए नहीं थे, किताबों में पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा है, अगर इमरजेंसी लगी होती तो मैं आपको ये खबर ना बता पा रहा होता कि सुपर इमरजेंसी लगी है। बहरहाल कोलकाता शहर के बीचों बीच मेट्रो चैनल नाम का स्टेशन है, यहाँ पर ममता बनर्जी केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठ गई और अभी भी बैठी हुई हैं। वहीं से सचिवालय चल रहा है, वहीं से तमगे बांटे जा रहे हैं। बजट पेश हुआ तो धरना स्थल से ही ममता बनर्जी ने विधानसभा को भी संबोधित कर दिया और यहीं पर कोलकाता पुलिस के कमिश्नर भी वर्दी में मौजूद हैं। ये अहम है, आगे बताऊंगा क्यों अहम है। दिल्ली का हाल ले लेते हैं, क्या हो रहा है दिल्ली में। सीबीआई अपने साथ हुई कथित बदसलूकी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने नियम 267 के तहत सीबीआई विवाद पर चर्चा के लिए नोटिस दिया, विपक्षी दल उनके समर्थन में आ गए। राज्यसभा में हंगामा हुआ, कार्रवाइयां स्थगित होती रही, हंगामे होते रहे और अंत में कल तक के लिए राज्यसभा स्थगित हो गई। लोकसभा में भी यही हुआ। लोकतंत्र बचाओ और सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो जैसे नारे लगे। पहले कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर शुरू हुई तो टीएमसी सांसद सौगत राय ने सीबीआई के दुरुपयोग का मामला उठाया। बाकी दलों ने साथ दिया, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब भी दिया। सामने से मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए, फिर भरपूर हंगामा हुआ। आप भी इस हंगामे पर एक नजर डाल लीजिए, ये सब हमारे आपके जनप्रतिनिधि हैं, भलाई का काम करते हैं संसद में बैठ के। मैं समझता हूं ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड। जो कोई भी अगर अन्य खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। जब ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार का विरोध किया तो समूचा विपक्ष उनके साथ खड़ा नजर आया। क्या चंद्रबाबू नायडू, क्या अरविंद केजरीवाल, सब एक सुर में सरकार पर तानाशाही के इल्जाम लगाने लगे। टीएमसी के कार्यकर्ता दिल्ली में बैठी सरकार के खिलाफ बंगाल में ट्रेन रोक रहे हैं और केंद्र में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मीडिया से पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार में ऐसी क्या बात है कि उनसे पूछताछ होने भर से पूरी पश्चिम बंगाल सरकार धरने पर बैठ गई। मतलब टोटल ड्रामा, जैसे कुछ लोग सरकार सरकार खेल रहे हैं और उसमें झगड़ा हो गया तो सड़क पर एड़ियां रगड़ रहे हैं। ये सब टीवी पर देखने में बड़ा मनोरंजक है, लेकिन दी ललनटॉप के कुछ सवाल हैं दिल्ली वाले हुक्मरानों से भी और कोलकाता में बैठी सरकार से भी। ये सवाल इसलिए जरूरी है कि आप समझ सकें कि आपके चुने हुए जिम्मेदार आखिर क्या गुल खिला रहे हैं और इसलिए भी कि आपके मुल्क का बेहद संवेदनशील संघीय ढांचा राजनीति का शिकार ना बन जाए। पहला सवाल, सीबीआई अब तक क्या कर रही थी और वो बिना कागज अपना मजाक बनवाने कोलकाता गई क्यों। सीबीआई रोज वैली और शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के संबंध में कोलकाता पहुंची थी। एक नजर में देखने में लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार शारदा स्कैम में फंसने वालों को संरक्षण दे रही है, लेकिन ममता जो कानूनी पेच बता रही है वो जान लेना भी जरूरी है। ममता की आक्रामकता के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। इसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की पुलिस को अगर सीबीआई की पूछताछ से कोई आपत्ति है तो वो कोलकाता हाईकोर्ट जा सकती है। बंगाल पुलिस के अफसर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे जहां से उन्हें आंतरिक सुरक्षा मिल गई। अब वो जो आदेश है अब तक प्रभावी है। पूरा विवाद इसी बात का है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सीबीआई कैसे कमिश्नर के घर पहुंच गई। अब सीबीआई कह रही है कि साहब हमने तो चिट्ठी भेजी थी कमिश्नर साहब को कि हमारी जांच में सहयोग करो। पर आपको ये समझना होगा, सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपना काम करते हुए सावधानी बरते। सीबीआई के पास कागज होता तो ये बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। सवाल नंबर दो, ममता बनर्जी से क्या कर रही है ममता बनर्जी। एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं आप और वो राज्य भारत का हिस्सा है, तो ममता की जिम्मेदारी है कि वो केंद्र के साथ एक वर्किंग रिलेशन मेंटेन करें। उन्हें लगता है कि केंद्र उनके खिलाफ साजिश कर रहा है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए। यहाँ केंद्र के लोग नहीं, ममता सीबीआई की कार्रवाई पर स्टे ले आती और फिर दम ठोक कर कहती कि एजेंसी कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही और हमें कोर्ट से समाधान मिला, और फिर पॉलिटिकल विक्टिम का कार्ड खेलते तो कोई एतराज कम से कम तकनीकी आधार पे तो ना जता पाता।
जितनी आसानी से टीएमसी तख्ता पलट सुपर इमरजेंसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो विवाद को सही दिशा नहीं दे रहा है, उनकी लापरवाही दिखा रहा है। आप ऐसे कुछ भी बोल देते हैं उठा के, आप सरकार में हैं, आपकी बात का वजन होना चाहिए जो कि नजर नहीं आ रहा। आपकी नरेंद्र मोदी सरकार से लड़ाई जैसी भी हो, याद रखिए वो केंद्र की सरकार है, आप राज्य की सरकार है। आपकी भाजपा से राजनीतिक लड़ाई है, सारे पॉलिटिकल फ्रंट पे लड़िए, धरना प्रदर्शन रैली जो मन में आए करिए, लेकिन देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ करने का आपको अधिकार नहीं है। सवाल नंबर 3, वहां पे कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं? राजीव कुमार आईपीएस हैं, बड़े अफसर हैं, ये बात समझ आती है कि वो बंगाल की चुनी हुई सरकार के हुक्म से बंधे हैं, लेकिन वो पूरी वर्दी में केंद्र के खिलाफ चल रहे धरने का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट से न्यूनतम ये उम्मीद होती है कि वो पद की गरिमा बनाए रखे। कमिश्नर साहब ममता के पार नहीं जा सकते, लेकिन क्या ममता की हर कवायद का हिस्सा होना जरूरी है? इस पर विचार होना चाहिए। इस देश के ये सारे जो अधिकारी हैं, जो इस देश के सिस्टम का हिस्सा हैं, वो इसी तरह से अपने सारे कोड ऑफ कंडक्ट को किनारे रख के अगर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएं या अपने राजनीतिक आकाओं का हर हुक्म मानने लगे, तब दिक्कत होगी। फिर चाहे वो सीबीआई के लोग हों, चाहे कोलकाता पुलिस के लोग। अब बात दी लल्लन टॉप की। सीबीआई भारत के इतिहास की सबसे निष्पक्ष एजेंसी है, ये कहने की वजह हमें आज तक नहीं मिली। किसी का भी राज रहा हो, जिसके हाथ में केंद्र होता है उसके हाथ में सीबीआई होती है। लेकिन कोलकाता में चल रहा ड्रामा बंगाल ही नहीं पूरे मुल्क के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बात है संघीय ढांचे की। केंद्र और राज्य दोनों का वजूद शाश्वत है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, और इसमें विरोध की गुंजाइश भी है। कोई केंद्र में बैठकर यह सोचने लगे कि वो संविधान से ऊपर है तो उसे सच का आईना दिखाने के तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में केंद्र के खिलाफ बगावती ऐलान जैसी चीजें शामिल नहीं है। क्योंकि अगर ये परंपरा बन जाए तो भविष्य में कोई भी राज्य सरकार केंद्र के साथ काम नहीं कर पाएगी या काम करने से कभी भी इनकार कर देगी, और भुगतेंगे कौन? हम और आप, यानी कि आम लोग, जिनके न जाने कितने अनगिनत काम थम जाते हैं सरकारों के झगड़े में। सबक ले सीबीआई, उसे कोर्ट को बताना है कि उसे कैसे मालूम कि राजीव कुमार जितना सीनियर अफसर सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है, ताकि लोग उसे तोता कहने का बहाना न ढूंढ पाए। और सबक ले ममता बनर्जी, वो याद करें कि टीएमसी के सांसदों विधायकों की गिरफ्तारी का विरोध उन्होंने धरना देकर किया था, सरकार को धरने पर बैठा कर नहीं। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन से उठकर खड़ी हुई ममता से उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम दो शख्सियतों में फर्क करें, नेता ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ताकि ये दोबारा देखने को ना मिले कि भारत में ही एक केंद्रीय एजेंसी की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल भेजने पड़े क्योंकि उसे राज्य के सुरक्षा बलों से खतरा महसूस हो रहा है। बाकी आप लोगों की सियासत है, करते रहिए, जनता सब देख रही है।